गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। आज हम मैथ में लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। बच्चों, आज हम लेसन 4 ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 4.3 ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल क्या होता है हमारा? अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। क्लोज फिगर जिसमें 3 लाइन्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं उसको। इसका सिंबल क्या होता है? ये इस तरीके का, इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी में देखिए, एबीसी 3 वर्टाइज हैं इसके, एबीबीसी और एसी 3 साइड्स हैं इसकी, और एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 3 एंगल्स हैं। ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करने के लिए हम दो चीज़ें लेते हैं, ऑन बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन बेसिस ऑफ साइड। फर्स्ट आता है आपका ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स, इसमें आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल में क्या होता है? इसमें जो ट्रायंगल के सारे एंगल्स होते हैं अंदर के, वो सब एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंग एंगल में क्या होता है? इसमें कोई सा भी एक एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। उसके बाद आता है राइट ट्रायंगल, इसमें आपका कोई सा भी एक एंगल ट्रायंगल का कैसा होगा? राइट एंगल में होगा, 90 डिग्री का होगा। फिर आता है ऑन बेसिस ऑफ साइड, साइड के हिसाब से आपके जो ट्रायंगल्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें इस ट्रायंगल की सब साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। आइसोसेल ट्रायंगल, इसमें आपकी कोई सी भी टू साइड इक्वल होती हैं। और स्क्लेन ट्रायंगल, इसमें ऑल साइड डिफरेंट होती हैं, जितनी ट्रायंगल की तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है आपका जो प्रॉपर्टी के, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 के बराबर होता है। तो हम इसको लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। फिर आता है आपका क्वाड्रिलेटरल। अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 लाइनें होती हैं और बंद फिगर, उस क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, क्योंकि इसमें 4 एंगल होते हैं। ये आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी है। इसमें 4 साइड होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और इसमें 4 वर्टाइज होते हैं, ए बी सी डी। अब हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अ पैरेललोग्राम हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड ऑफ अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स वर्टाइज। The sum of angle of a triangle is 180 degree. The sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. Question number 2 है आपका, write what type of angle triangle each of these is. इसमें देखिए, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो हम यार ये कौन सा जाएगा? स्क्लेन ट्रायंगल। फिर इसके बाद इसमें देखिए, सेकंड वाले में इसमें सारे एंगल्स जो अंदर के हैं आपको वो कितने दे रखे हैं? 90 डिग्री से छोटे दे रखे हैं। तो हमारे सारे एक्यूट एंगल हैं, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी तरीके से आप थर्ड वाला देखिए, इसमें 2 साइड आपकी सेम है और एक आपकी अलग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। फिर उसके बाद आता है इसमें आपका एक एंगल देखिए 90 डिग्री है, तो हम इसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल। फिर ये इसमें देखिए, चारों साइड है आपकी सेम है, तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये हमारा 1 एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ ट्रायंगल पॉसिबल विद द गिवन सेट ऑफ एंगल्स। आपको एंगल्स के सेट दे रखे हैं,
उसमें आपको बताना है कि इसमें पॉसिबल हो पाएगा ट्रायंगल बनना या नहीं हो पाएगा। तो देखिए पहला दे रखा है आपको 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। अब हम जब इन तीनों को प्लस कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 160 डिग्री, जो कि हमारा 180 डिग्री से छोटा है। तो हम आंसर लिखेंगे दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। फिर आपको सेकंड वाला दे रखा है 120 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री। तो ट्रायंगल वही लिखेंगे हम, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। हमको दे रखा है 120 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री हमारा 180 के बराबर होता है। तो हमारा इसमें ट्रायंगल बनना पॉसिबल हो जाता है। तो अगर 80 डिग्री के पास आता है, 80 डिग्री के बराबर 180 डिग्री के बराबर आता है इनका सम, तो ट्रायंगल बन जाएगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इज अ ट्रायंगल पॉसिबल विद द गिवन सेट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। आपको साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। We know that the sum of two sides of a triangle must be greater than the third side. तो हम जानते हैं कि जब हम दो साइड को ट्रायंगल की प्लस करते हैं तो वो हमारा जो थर्ड वाली हमारी साइड दे रखी होती है उससे बड़ी आनी चाहिए। तो आप देखिए द सम ऑफ स्मॉलर साइड कौन सी है हमारी, 4 और 3, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7। 7 हमारा 8 से छोटा है तो ये ट्रायंगल आपका पॉसिबल नहीं है। अगर हमारा 8 से बड़ा होता तो ट्रायंगल पॉसिबल होता। तो आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये मैंने आपको दे रखे हैं, ये आप अपना आप करिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फॉलोइंग इन ट्रायंगल एबीसी में। एंगल एबीसी आपको दे रखा है 65 डिग्री, एंगल बीसीए आपको दे रखा है 40 डिग्री और आपसे पूछा जा रहा है एंगल सीएबी। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी हमारा 180 के बराबर होता है। तो हम इन दोनों की वैल्यू रखेंगे 65 डिग्री एंड 45 डिग्री, इनको प्लस करेंगे तो हमारा ये आ जाता है 110 डिग्री। अब देखिए एंगल सी ए बी इज निकालने के लिए हमें 180 में से 110 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। फिर नेक्स्ट देखिए इन डी ई एफ में एंगल डी ई एफ आपको दे रखा है 105 डिग्री, एंगल ई एफ डी दे रखा है 35 डिग्री एंड आपको क्या करना है फाइंड एफ डी ई आपको निकालना है। तो एंगल डी ई एफ लिखा आपने प्लस एंगल ई एफ डी लिखा प्लस एंगल एफ डी ई लिखा तो वो है हमारा 180 के बराबर। ये हमें 105 और 35 दे रखा है, इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो एंगल एफ डी ई निकालने के लिए हमें 180 में से 140 माइनस करना पड़ेगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो इसके दो सम दे रखे हैं आपको, ये भी करने हैं अपना। फिर आता है नेम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स। आपको कुछ ट्रायंगल्स की शेप दे रखी हैं, उसका आपको क्या निकालना है बताना है कौन सा। ये आप देखिए ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रेपेजियम है, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द फोर्थ एंगल इफ द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर। आपको 3 एंगल दे रखे हैं और एक एंगल आपको निकालना है 30 डिग्री, 80 डिग्री एंड 105 डिग्री। तो आप लिखेंगे लेट द फोर्थ एंगल बी x। आपने फोर्थ एंगल को क्या मांग लिया x, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इजिकल टू 360 डिग्री। इन तीनों को आपने आपको ये दे रखे हैं 30 डिग्री, 80 डिग्री, 105 डिग्री प्लस एक्स इजिकल टू 360। इन सबको प्लस करा तो 250 आ गया और 360 में से आपने 215 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 145 डिग्री। तो फोर्थ एंगल हमारा क्या हो गया 145 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 100, 105 एंड 90 डिग्री आपको दे रखा है। फोर्थ एंगल आप एक्स मानेंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 295 प्लस एक्स इजिकल टू 360 डिग्री और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 295 इजिकल टू 65 डिग्री। इसके भी मैंने आपको ये दो सम दे रखे हैं, ये आप अपना आप करिएगा। एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे।